कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन लाइव फॉर्डर हार्वेस्टिंग शो में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ने किसानों को अच्छी तकनीक की नई मशीनें और उच्च कोटि के आहार के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने कार्यक्रम में पशुपालकों से खरीदे दूध पर 1 रुपए की बढ़ोतरी का आश्वासन दिया, जो कि 1 सप्ताह में सभी दूध डेयरी पर लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन लाइव फॉर्डर हार्वेस्टिंग शो एवं IFO का उद्घाटन किया। पशुपालन लाइव फॉर्डर हार्वेस्टिंग शो में पंजाब एग्रीकल्चर की तर्ज पर हार्वेस्टिंग एवं फार्मिंग मशीनरी की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी मशीनों की नई तकनीक को दर्शाया गया। वहीं पशुपालकों के लिए अच्छी तकनीक की नई मशीनें और उच्च कोटि का आहार व अन्य तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे पशुपालन दूध उत्पाद बढ़ा सके और उन्हें अधिक मुनाफा हो सके। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने महिला स्वरोजगार पर बात करते हुए IFO के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि IFO से जुड़कर महिलाएं बेहतर रोजगार से जुड़ रही हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार और मोदी के अनुसार वो किसान की आय दोगुनी करने के वादे पर लगातार काम कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने पशुपालकों से खरीदे दूध पर 1 रुपए की बढ़ोतरी का आश्वासन दिया। उन्होंने पशुपालकों से दूध खरीदने वाली डेयरी औचल व अन्य डेयरियों को मंच के माध्यम से दूध पर 1 रुपए की बढ़ोतरी का आदेश दिया, जो कि 1 सप्ताह में लागू हो जाएगा। डायरेक्टली किसान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाहते हैं और आय जो माननीय मोदी की सरकार है उस पे हम काम करना चाह रहे हैं। और आज उत्तराखंड का दूसरा IPO है, पहला देहरादून में हमने खोला है और दूसरा IPO मैंने सरकार में काम करना है, उसका आरंभ बहुत करते हैं। यही करते हैं कि इससे हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर भी बनेगी, आय भी उनकी बढ़ेगी और हमारे जो सारी अच्छी क्वालिटी है जिसको अभी मैंने मंच बताया है उसकी क्वालिटी पे कभी कभी डिविजन आ जाता है, तो क्वालिटी भी अच्छी होगी ताकि पशुपालकों का पशु को आहार अच्छा मिलेगा, उससे हमारे दूध की क्वालिटी अच्छी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।